रूस के कीव पर हमले लगातार जारी हैं और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रूस ने कीव के शॉपिंग मॉल पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद हर तरफ वहां पर तबाही का मंजर है। ये शॉपिंग मॉल जहां पर मिसाइल से हमला किया गया और मिसाइल अटैक के बाद ये तबाही का मंजर भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये शॉपिंग मॉल बताया जा रहा है, जिसके आसपास की इमारतें भी इस भीषण आग की चपेट में आती चली गईं। बहुत ही ये आग धधकती हुई इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। ये शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया गया है और हमले के बाद जो तबाही का मंजर है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस भारी तबाही मचा रहा है। शहर में रूसी सैनिक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, हर तरफ तबाही के निशान हैं। कीव में रूस की गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। मिसाइल हमले से कीव में रूस जमकर बर्बादी मचा रहा है। कीव के शॉपिंग मॉल में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां पर कई लोग मॉल में फंस गए। फिर दमकल कर्मी भी नजर आए वहां पर, काफी मशक्कत करते रहे ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जाए। लेकिन ये जो धमाका हुआ उसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 26वां दिन है और आज ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बड़ा धमाका किया है, जिसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव जिस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। युद्ध के 26 दिन के बाद अब रूस कितना आक्रामक हो चुका है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और हमला भी ऐसा कि उसकी धमक ऐसी थी कि रात में ही दिन नजर आने लगा। कीव में यह धमाका एक शॉपिंग मॉल पर हुआ, जिस पर रॉकेट से एक बड़ा हमला किया गया। हमला कितना भयानक था यह इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जहां कभी चकाचौंध से भरा मॉल था, वहां अब सिर्फ खंडहर है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अभी भी मलबे में दबे हैं। कीव में हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि पार्किंग में खड़े वाहन छिटक कर दूर गिरे और कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। पूरी रात से धमाकों की आवाज, अभी तक जो बाहर है धमाकों की आवाज आ रही है मेरे घर के पीछे से भी। लेकिन अटैक तेज कर दिया गया है 2 घरों के ऊपर। कल से आज तक जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे भी हमला हुआ है। आसपास जो बिल्डिंग थी वो भी उसके उसमें आई हैं, धमाके जो हुए हैं उसके अंदर आई हैं। और रेस्क्यू के मेरे ख्याल से अभी तक बहुत सारे लोग, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है बचाने के चक्कर में लोगों को, जो अभी तक जो फायर वाले हैं, फायर फाइटर्स हैं, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। कई लोगों की मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा उनकी गिनती है। तो डर कहीं नहीं है लोगों में, कहीं पर भी डर नहीं है। अगर आप मतलब यहाँ पर आकर देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, मैं लोगों से कुछ बात करके आपको भेजूंगा तो लोगों से बात करेंगे, ऐसा डर नाम की कोई चीज ही नहीं है इन लोगों में। मतलब शायद वो हद से ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए वो खत्म ही हो गया है डर इनके। अब सिर्फ लड़ाई लड़ाई और सिर्फ लड़ाई। कीव पर ये बड़ा हमला पुतिन का संकेत है कि अब कीव ही अगला टारगेट होने वाला है। कीव के अलावा मरियुपोल, खरकीव, सुमी, सब जगह तबाही ही तबाही है। वहीं पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर तो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं। इस हमले में यूक्रेनी सेना के कई सैन्य अड्डे तबाह हो गए। हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि यूक्रेन के लगभग 11 शहरों में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं।
अब जरा खार्कीव की तस्वीरें देखिए। खार्कीव में आमने सामने की लड़ाई जारी है। खार्कीव में रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने में यूक्रेन लगा है। टैंकों से लगातार फायरिंग की जा रही है। वहीं जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रूस अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहा है। आसमान से सुखोई 35 जैसे लड़ाकू विमान, KA-52 जैसे हेलीकॉप्टर्स हमले पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं ड्रोन से लगातार यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं। मकसद है कि यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हथियारों को हवाई हमलों से तबाह किया जाए। जहां रूस आक्रामक है, तो वहीं यूक्रेन लगातार बचाव में लगा है। यूक्रेन ने भी नीपर रीजन में रूस के MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर पर हमला कर उसे मार गिराने का दावा किया। रूस के आगे घुटने टेकने से मना करने वाले यूक्रेन ने अब रूस की एक और शर्त को पूरी तरह नकार दिया है। रूस ने मरियुपोल को सरेंडर करने का जो अल्टीमेटम दिया था, यूक्रेन ने उससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। मरियुपोल ही वो जगह है जहां पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच भीषण जंग जारी है। इस युद्ध में फिलहाल यूक्रेन को जहां दूसरे देश हथियारों की मदद कर रहे हैं, वहीं अभी तक अकेले तबाही मचा रहे रूस को अब बड़ी मदद मिलने वाली है और ये मदद यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये मुसीबत है सेना का ये काफिला बेलारूस की सेना का है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस के हमले के साथ ही अब बेलारूस पश्चिमी यूक्रेन के रास्ते उस पर हमले की योजना बना रहा है। सबूत के तौर पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो भी जारी कर दिया है। अब अगर रूस के साथ बेलारूस भी यूक्रेन में एंट्री करता है, तो यूक्रेन की परेशानी काफी बढ़ सकती है और ऐसा ना हो कि अब तक रूस के सामने मजबूती से खड़ा यूक्रेन हथियार डाल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।